Today we will start our next topic, which is called the vane motor working principle and construction. Actually, vane motor जो है वो बेसिकली जैसे हम लोग वेन पंप स्टडी किए थे वो वेन पंप के जैसा ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पंप के बदले में जो वेन मोटर जो मेरा रोटरी एक्चुएटर है, राइट, रोटरी एक्चुएटर को हम लोग आज का क्लास में स्टडी करेंगे. इस वेन मोटर को स्टडी करने के टाइम पे वेन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, वेन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारा चीज देखेंगे और वेन मोटर का सर्किट डायग्राम किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो भी वो सारा चीज हम लोग आज का क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, तो ये जो वेन मोटर है, वेन मोटर के अंदर क्या लगा हुआ रहता है, वेन मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सटेंडिंग वेन्स लगा हुआ रहता है. वेन मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक्सटेंडिंग वेन लगा हुआ रहता है, एक्सटेंडिंग वेन्स. ओके, एक्सटेंडिंग वेन्स लगा हुआ रहता है, राइट. एक्सटेंडिंग वेन्स को किस तरीके से काम करता है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में स्टडी करेंगे, और साथ में हम लोग ये स्टडी करेंगे व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द वेन मोटर, लाइक इनलेट पार्ट का कौन सा है, वेन कौन सा है, रोटर कौन सा है, शाफ्ट कौन सा है, आउटलेट कौन सा है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे. साथ में कैमरिंग क्या क्या है, प्रेशर की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है, वो आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. स्टडी आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर विच इज वेन मोटर. इसका पिछले वाला जो क्लास में हम लोग हाइड्रोलिक मोटर के बारे में स्टडी किए थे, और हाइड्रोलिक मोटर जो जिसको बेसिकली हम लोग रोटरी एक्चुएटर बोलते हैं, वो रोटरी एक्चुएटर किस तरीके से काम करता है, किस बेसिस में काम करता है, दूसरा चीज रोटरी एक्चुएटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, why this type of rotary actuator is used in the hydraulic system, hydraulic motor का rating क्या है, actually rotary actuator का rating क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग study किए थे और classification किए थे hydraulic motor को तीन part में, vane motor, gear motor and piston motor. piston motor को फिर तीन type में distribute किए थे, inline, bent axis and radial. inline, bent axis and radial ये तीन type में हम लोग फिर से distribute किए थे. आज हम लोग first topic study करेंगे, इसका नाम है वेन मोटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन मोटर, हियर इट इज अ वेन मोटर सर्किट डायग्राम, आई मीन सॉरी, हियर वेन मोटर कंस्ट्रक्शन डायग्राम इज गिवन. दिस इज माय कैमरिंग, दिस इज माय कैमरिंग. ओके, ये जो मेरा है, ये जो सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, ये जो मेरा सर्कल है ये मेरा है कैमरिंग, ये मेरा है रोटर, बट रोटर के साथ जो कैमरिंग का जो सेंटर है, ये सेंटर मेरा इसेंट्रिक है, राइट, कंसेंट्रिक नहीं है. कंसेंट्रिक मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर के रिस्पेक्ट में दो सर्कल है, राइट, तो इसको हम लोग कंसेंट्रिक बोलेंगे. कंसेंट्रिक मतलब ये सर्कल का सेंटर अगर ये है तो ये सर्कल का सेंटर ये है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिक डिस्टेंस और एसेंट्रिसिटी, राइट. तो यहाँ पे जो वेन मोटर में, वेन मोटर में क्या होता है, वेन मोटर में जो रोटर होता है, रोटर का जो सेंटर है, वो रोटर का सेंटर मेरा एक्चुअल जो कैम रिंग है, वो कैम रिंग के साथ, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा कैम रिंग है, कैम रिंग है, राइट. तो ये जो रोटर वाला पार्ट है, ये रोटर वाला पार्ट कैम रिंग का सेंटर के साथ कंसेंट्रिक नहीं है, ये रोटर वाला पार्ट कैम रिंग का सेंटर के साथ इसेंट्रिक है, राइट. तो इसेंट्रिक जब है, और ये शाफ्ट, लेकिन ये रोटर का सेंटर में है, ये जो मेरा शाफ्ट है जो डार्ट करके बनाया गया है, ये जो मेरा शाफ्ट है, ये शाफ्ट में रोटर के साथ कंसेंट्रिक है, बट ये रोटर का सेंटर, ये कैमरिंग का सेंटर के साथ इसेंट्रिक नहीं है. इसके वजह से क्या होगा, ये जो मेरा रोटर के साथ जो मेरा वेन्स कनेक्टेड है, तो ये वेन्स, इस वेन्स का बैरियर जब ये रोटेट करेगा 360 डिग्री रोटेशनल एरिया में, हमेशा एक ही जगह कवर नहीं करेगा, एक ही एरिया कवर नहीं करेगा. इसका मतलब ये वेन के टाइम पे ये अगर कम एरिया कवर कर रहा है, तो दूसरा जगह पे ये वाला वेन सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. तो ये इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिक होने का मतलब ही क्या है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये मोटर मेरा काम करता है. तो मैं आता हूं बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन मोटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन मोटर. वेन मोटर इज, वेन मोटर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर. वेन मोटर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर. सेकेंड,
दिस इज द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फर्स्ट व्हेन इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर, सेकंड इट डेवलप्स एंड आउटपुट टॉर्क, it develops an output torque at its shaft by allowing hydraulic pressure into the vane which are extended. Okay, basically जो वेन मोटर है और वेन पंप होता है, ये दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम नहीं. वेन मोटर वेन पंप में क्या होता है, वेन पंप में मेरा वो वेन पंप को, मान लो ये मेरा एक वेन पंप है, राइट, तो ये वेन पंप एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कपल रहता है, राइट. इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन होता है तो मेरे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो शाफ्ट के वजह से कपल रहता है, वो शाफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उस टाइम ये पंपिंग एक्शन चालू होता है. जब पंपिंग एक्शन चालू होता है, मतलब पंप के अंदर सक्शन वॉल्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम जनरेट होता है. जब सक्शन वॉल्यूम और वैक्यूम जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, टैंक से फ्लूइड इसके अंदर एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद वो फ्लूइड क्या होता है, पुश्ड होता है. वो फ्लूइड को यहाँ पे, मान लो ये गियर पंप है, वेन पंप है, पिस्टन पंप है, जीरोटोड पंप है, हेयरिंग बोन गियर पंप है, इंटरनल एक्सटर्नल एनीबॉडी एनीथिंग, राइट, कोई भी अगर पंप हो, वो पंप का जो इंटरनल कंपोनेंट है, वो क्या करता है, फ्लूइड को पुश करता है, और पुश करने के बाद उसके अंदर जो हेड होता है, वो हेड को इंक्रीज करता है, तो प्रेशर एनर्जी जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, और उसके बाद वो पंप से डायरेक्ट फिल्टर में जा, सॉरी, पंप से डायरेक्ट वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, उसके बाद वो एक्चुएटर में प्रवेश करता है. यहाँ पे जो एक्चुएटर हम लोग यूज करते हैं, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, थोड़ा सा इमेजिन करना, जो हम लोग एक्चुएटर यूज करते हैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, वहां पे हम लोग हमेशा दिखाए थे लीनियर एक्चुएटर, जिसमें एक पिस्टन काम करता है, यहाँ पे फ्लूइड एंट्री करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड एंट्री करेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा. बट ये मेरा लीनियर एक्चुएटर है, बट अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोटरी एक्चुएटर, मतलब ठीक सेम जगह में यहाँ ये जो ये वो इनलेट होगा, यहाँ से पंप से जाके फ्लूइड प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, वहां से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, वहां से वो इनलेट होके इस एक्चुएटर में प्रवेश करेगा, और आउटलेट होके फिर वो टैंक में वापस आ जाएगा. तो यहाँ पे लीनियर एक्चुएटर के जगह पे हमें रोटरी एक्चुएटर, जिसको हम लोग वेन मोटर यूज कर रहे हैं. तो वेन पंप के साथ वेन मोटर का ये डिफरेंस है कि वेन पंप में फ्लूइड जाके फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है, और वेन जो ये जो वेन्स है, ये वेन्स पंप मोटर के साथ कपल होकर रहता है. वेन पंप में मोटर के, सॉरी, वेन पंप का जो शाफ्ट है, वो मोटर के साथ कपल होकर रहता है. जब मोटर ऑन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन होता है, तब वेन पंप का ये शाफ्ट क्या होता है, रोटेट करना शुरू करता है. तो ये वेन्स भी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के दौरान रोटेट करना शुरू करता है. सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के दौरान ये जो कैमरिंग के साथ ये वेन का जो एक पॉजिटिव सीलिंग होता है और टाइट करके रखता है, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है, फ्लूइड कंप्रेस होता है, पुश्ड होता है, पावर गेन करके निकल जाता है. ये वेन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है. वेन मोटर में क्या होता है, फ्लूइड जब यहाँ पे एंट्री किया, वो फ्लूइड यहाँ इस एरिया में स्टोर होना शुरू करेगा. जब स्टोर होना शुरू करेगा, वो यहाँ पे इस यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ये फिर रोटेट करना शुरू करेगा. जब ये रोटेट करेगा तो ये इस एरिया में प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर ये पंप क्या, फिर ये वेन जब यहाँ पे आएगा और भी फ्लूइड मेरा एंट्री करना शुरू करेगा, तब वो ये वेन इस एरिया में आएगा, तो ये यहाँ का जो फ्लूइड होगा इस वेन में प्रेशर क्रिएट करेगा. इस तरीके से कंटिन्यूअस वेन का मोशन आते आते यहाँ पे भी इनलेट हो रहा है, यहाँ पे भी इनलेट हो रहा है, तो ऑपोजिट इनलेट हो रहा है, मतलब दोनों साइड से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, जिसकी वजह से वेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है, और ये वेन रोटेट करना शुरू करेगा एक सर्टेन टाइम पर. जब मैक्सिमम प्रेशर क्रॉस हो जाएगा, वेन क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा. जब वेन रोटेट करेगा तब ये शाफ्ट रोटेट होगा, और ये शाफ्ट रोटेट होगा तो शाफ्ट के साथ जो मुझे लिफ्टिंग जो एप्लीकेशन में मैं ये एक्चुएटर को मैं यूज कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन मेरा काम करेगा, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली शाफ्ट को फ्लूइड रोटेट कर रहा है, बट पंप में क्या होता है, पंप में मेरा फ्लूइड वेन्स फ्लूइड को रोटेट करता है.
राइट, वेन्स फ्लूइड को रोटेट करता है बट यहाँ पे फ्लूइड वेन्स को रोटेट कर रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोटरी एक्चुएटर एंड द पंप. राइट, तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप्स एन आउटपुट टॉर्क एट इट्स शाफ्ट बाय अलाउइंग हाइड्रोलिक प्रेशर. जब फ्लूइड एंट्री करेगा हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करेगा तो मेरा एक शाफ्ट के ऊपर आउटपुट टॉर्क आएगा, शाफ्ट के ऊपर एक प्रेशर आएगा, वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, वेन्स रोटेट करेगा तो शाफ्ट के अंदर एक टर्निंग मोमेंट टर्निंग मोमेंट आएगा तो शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो दिस डीप टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड मोटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर. Why for this positive displacement? Because the fluid is entered into the vane pump, vane motor, and ये basically vanes को क्या करता है, एक displacement देता है जो मेरा basically positive displacement है. क्योंकि अगर positive displacement नहीं होगा तो pressure मेरा बढ़ेगा नहीं, तो pressure बढ़ रहा है इसका मतलब positive displacement हो रहा है, that's why it is called positive displacement motor. And second one, it develops an output torque at its shaft by allowing hydraulic pressure to the vane which are extended. मतलब फ्लूइड क्या कर रहा है, ये एंट्री करने देता है और ये शाफ्ट वेन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो वेन्स रोटेट करना शुरू करता है तो शाफ्ट के ऊपर टर्निंग शाफ्ट का टर्निंग टॉर्क जनरेट होता है शाफ्ट के ऊपर और शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है. तो जो शाफ्ट जिसके साथ जो एप्लीकेशन में कनेक्टेड है, जो रोटरी एक्चुएटर, ये रोटरी एक्चुएटर जो एप्लीकेशन में कनेक्टेड है वो एप्लीकेशन काम करना शुरू करता है. तो ये वेन मोटर का मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ व्हाट इज द थ्योरी पार्ट, एक इनलेट और दो आउटलेट है. अगर ये साइड में ये यहाँ पे अगर एक ही इनलेट रहता और एक ही आउटलेट रहता है, ये इनलेट और ये आउटलेट अगर नहीं रहता, ठीक है, अगर एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट रहता है, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड प्रेशर में, फ्लूइड फोर्स में या प्रेशर में जो भी बोलो वो इसके अंदर एंट्री करेगा और ये वेन को रोटेट करने की कोशिश करेगा, वेन रोटेट होगा तो यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो इसके वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है क्योंकि एक साइड से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक साइड से वो मोटर क्या हो रहा है, मोटर का चेंबर खाली हो जा रहा है, एक साइड से मोटर का चेंबर भर रहा है, एक साइड से मोटर का चेंबर खाली हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस बार ये वाला साइड मोटर का एक साइड क्या होता है, भारी हो जाता है. मतलब मोटर का एक साइड वाला चेंबर पूरा वॉल्यूम फुल रहता है, एक साइड वाला चेंबर का आउटलेट पर थोड़ा हल्का हो जाता है, इसकी वजह से शाफ्ट का जो मोशन होता है वो शाफ्ट का मोशन एक सेंटर वाइज नहीं होता है, वो क्या होता है थोड़ा सा वाइब्रेट करके मोशन होता है, इसकी वजह से वो इसको हम लोग बोलते हैं कि इम्बैलेंस. ये इम्बैलेंस की वजह से बेसिकली ये मोटर काम करता है. लेकिन इस तरीके का वेन मोटर में हम लोग क्या करता है, वेन मोटर में इंबैलेंस इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन वेन एरिया एक्सपोज टू द हाइड्रोलिक एनर्जी. ये जो इंबैलेंस कहां से होता है, देखो यहाँ पे अगर ड्राइंग को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वेन का जो एरिया है, ये वेन का एरिया तुम समझ लो कितना लंबा है, ये वेन का एरिया उससे ज्यादा लंबा है, ये वेन का एरिया छोटा है, ये वेन का एरिया उससे ज्यादा छोटा है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंबैलेंस जनरेट किया जा रहा है वो वेन्स का एरिया के वजह से, वेन्स का डिफरेंट वेन्स का एरिया के वजह से एक इंबैलेंस जनरेट हो रहा है. इसका मतलब है, मान लो यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड रहेगा वो फ्लूइड का पावर ज्यादा रहेगा या यहाँ पे मतलब प्रेशर ज्यादा रहेगा, या यहाँ पे जो फ्लूइड बढ़ती रहेगा वहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब प्रेशर मेरा ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है तो ऑब्वियसली वो वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड है तो इसलिए ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर रहा है. तो इसको बैलेंस करने, ये इम्बैलेंस की वजह से वेन जनरेट होता है, बट ये इम्बैलेंस की वजह से मेरा शाफ्ट का टर्निंग मोमेंट में कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो इनलेट रखते हैं, एक इनलेट, दो इनलेट और दो आउटलेट रखते हैं, ताकि दो इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री करे और दो आउटलेट से मेरा फ्लूइड बाहर चल जाए, ठीक है. तो ये वेन्स का डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से हम लोग इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं वेन मोटर्स के अंदर और ये हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, विंड प्रेशर ऑयल एंटर्स एट द इनलेट. जब ऑयल जो है मेरा फ्लूइड जो प्रेशर लेके इनलेट में एंट्री करता है, उस टाइम क्या होता है, द यूनिक एरिया ऑफ द वेन्स, मतलब ये वेन्स का एरिया है,
ये एरिया है, ये मेरा वेंस का एरिया है, ये मेरा वेंस का एरिया है, तो डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क इन द मोटर शाफ्ट, जब ये मेरा एंट्री करता है प्रेशर लेके, तो वो क्या करता है वेन के ऊपर, यहाँ पे एंट्री कर दिया बाबू, यहाँ पे देखो एंट्री हो गया, जब यहाँ पे एंट्री हो गया तो वो वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये वेन क्या होगा, ये वेन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जब ये वेन यहाँ से लेकर इस पोजिशन में आएगा, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, राइट, ये वेन जब यहाँ पे इनलेट से फ्लूइड में एंट्री कर रहा है, राइट, इनलेट से मेरा ये फ्लूइड एंट्री कर रहा है, यहाँ से इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो ये यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, इस वेन को यहाँ पे लाएगा, यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, ये वेन को यहाँ पे लाएगा, ठीक है, जब ये वेन इस पोजिशन में आएगा तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक स्प्रिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग मतलब वैट स्प्रिंग हो सकता है, कॉइल स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये दो स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, ये दो स्प्रिंग जब हम लोग इस तरह दो टाइप का कोई भी स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, तो जो भी स्प्रिंग यूज करेंगे, ये जब ये मेरा वेन इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में आएगा और पॉजिटिव सीलिंग का मुझे तब जरूरत पड़ेगा, पॉजिटिव सीलिंग मतलब अगर मैं ये मेरा कैमरिंग का एक छोटा सा पार्ट मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा अगर कैमरिंग का छोटा वाला पार्ट है, तो वेन मेरा इसके साथ एक टाइटली पॉजिटिव सील करेगा, जिसकी वजह से मेरा फ्लूइड क्या होगा, यहां से एंट्री नहीं कर पाएगा, यहां से लीक नहीं कर पाएगा, ये लीकेज के लिए हम लोग वेन को उस तरीके से डायमेंशन में डिजाइन करते हैं ताकि वो वेन मेरा कैमरिंग के साथ पॉजिटिव सीलिंग कर बैठे, जब पॉजिटिव सीलिंग कर रहा है तो यहाँ पे लीकेज होने का कोई चांसेस ही नहीं है, और जब लीकेज मेरा नहीं हो रहा है तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लीकेज नहीं होगा तो प्रेशर मेरा एक्युमुलेटेड प्रेशर होगा, प्रेशर मेरा एक्यूरेट प्रेशर होगा, जब वो एक्यूरेट प्रेशर देके ये वेन के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो वेन इस पोजिशन से लेकर वो इस पोजिशन में जाने का कोशिश करेगा, जब इस पोजिशन से लेकर इस पोजिशन में जाएगा तो वेन को ये पॉजिटिव टाइट सील को मेंटेन करने के लिए इस वेन का ये वाला पोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है, और ये वेन का जो टॉप पोर्शन है, ये जो मेरा वेन का टॉप पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन मेरा कैमरिंग के साथ टाइटली सील्ड होकर रहता है, और ये फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, यहाँ से जो इनलेट हो रहा है ये फ्लूइड यहाँ पे फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये वेन रोटेट करना शुरू करता है, अब ये वेन जब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे रहे सब लोग, ये वेन जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तब क्या होगा, तब ये वेन को छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए वेन स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा, स्प्रिंग को होना पड़ेगा कॉम्प्रेस, जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा तो ये टाइट सील मेंटेन रहेगा, वेन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और मेरा ये वेन रोटेट करना शुरू करेगा, और जिस जब आउटलेट पे जब ये वेन रोटेट करेगा इस तरीके से, तो टॉर्क के ऊपर शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क जनरेट करेगा, आउटपुट टॉर्क जनरेट करेगा, टर्निंग मोमेंट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से टॉर्क शाफ्ट मेरा रोटेट होना शुरू करेगा, रोटेट होना शुरू होगा, ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वेन मोटर है। अब मैं आ रहा हूं कंस्ट्रक्शन पार्ट में, कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो वेन मोटर का कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेरा वेन, वो है मेरा क्या वेन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है रोटर, रोटर, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है कैमरिंग, थर्ड वन है कैमरिंग, राइट, सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट, सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स, ओके, तो ये तीन पार्ट है मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट में, जहां पे वेन्स मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मेरा वेन्स है, एक दो तीन चार, ये चार को मेरा वेन्स है, रोटर, रोटर मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग रोटर पार्ट बोलते हैं, कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स, कैमरिंग मतलब ये जो मैंने पहले दिखाया था, ये मेरा कैमरिंग है, ये जो मेरा है कैमरिंग है, ये कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स मतलब दोनों आउटलेट और दोनों इनलेट पोर्ट इसके बीच में रहता है, और दोनों कैमरिंग, राइट, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, ये मान लो मेरा एक कैमरिंग है, अगर यहाँ से देखेंगे तो इधर में भी एक सर्कुलर पोर्शन है, इधर में भी एक सर्कुलर पोर्शन है, तो ये दो कैमरिंग के बीच इनलेट पोर्ट
और आउटलेट पोर्ट सैंडविच बीच में रहता है इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। ये दोनों कैमरिंग है, ये दोनों कैमरिंग दोनों बहुत अच्छे से सीलिंग के द्वारा, गैसकेट के द्वारा, वॉशर के द्वारा बहुत अच्छे से टाइटली पोर्ट किया गया है। और यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट है और यहाँ पे एक आउटलेट पोर्ट है जो ये दोनों एरिया का दोनों कैमरिंग के बीचों बीच है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैमरिंग सैंडविच बाय बिटवीन टू पोर्ट प्लेट्स है। अब ये इस तरीके का कार्ट्रिज असेंबली हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये जो पार्ट है जो कैमरिंग सैंडविच बिटवीन टू पोर्ट प्लेट, ये जो मेरा पार्ट है, ये पेयर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज असेंबली बोलते हैं। कार्ट्रिज असेंबली का हम लोग क्या जरूरत है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कार्ट्रिज असेंबली। एडवांटेज ऑफ द कार्ट्रिज असेंबली इज फर्स्ट, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज क्या है, या वेन मोटर का एडवांटेज क्या है वो भी तुम लोग बोल सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेन मोटर फर्स्ट, इस तरह कार्ट्रिज असेंबली का एडवांटेज ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी मोटर सर्विसिंग, इजी मोटर सर्विसिंग। ओके, इजी मोटर सर्विसिंग, क्योंकि मान लो वेन कंटिन्यूअसली जब मेरा रोटेट करता है और डेली बाय डेली मेरा काम हो रहा है इस हाइड्रोलिक मोटर में, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली इनलेट पोर्ट से एंट्री करता है और वेन्स के ऊपर प्रेशर देता है, वेन्स अपना एरिया को मेंटेन कर, जिस जगह में जितना एरिया चाहिए, जिस जगह में जितना एरिया मुझे वेन्स के अंदर चाहिए वो एरिया को मेंटेन करके वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है, वो भी टाइट सील मेंटेन करके कैमरिंग के साथ। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस टाइट सील मेंटेन अगर करता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक नेचुरल वेयर होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर एक ही चीज के ऊपर कितना भी टाइट सील रहो, टाइट सील रखे, लेकिन कंटिन्यूअस अगर उस कंडीशन में रोटेट करते करते वहां पे एक वेयर क्रिएट होता है, फ्रिक्शन के वजह से, हीट जनरेशन के वजह से एक वेयर क्रिएट होता है। इसीलिए उस पोर्शन को हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग अगर कभी भी अगर इस तरीके से वेयर हो जाता है तो अगर वही वेयर पार्ट को लेके अगर हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये वेयर इस टाइट सील, जहां जहां पे मुझे टाइट सीलिंग चाहिए, देखो जहां मैं गोल कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये जहां जहां मुझे टाइट सील चाहिए वेन्स के साथ, जिस जिस पोर्शन में मेरा जब मेरा जिस जिस पोर्शन में कैमरिंग कनेक्ट होता है वो जगह पे मुझे टाइट सील का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर नेचुरल वेयर हो जाएगा तो टाइट सील मेरा नहीं बनेगा, और जब टाइट सील नहीं बनेगा, ध्यान देना, जब टाइट सील नहीं बनेगा तब क्या होगा, फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा लेकिन यहाँ से लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वेन को रोटेट नहीं कर पाएगा, या तो वेन का रोटेट भी होगा तो जब टाइट सील था जितना स्पीड से वो रोटेट कर रहा था, अब क्या होगा, लीकेज होने जाने के वजह से फ्लूइड लीक कर जाएगा, जिसकी वजह से वो कम स्पीड में रोटेट करेगा, या तो मैक्सिमम प्रेशर के बावजूद भी अगर मान लो फ्लूइड का प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर से आगे चल गया, मतलब एक्सीड हो गया, तब भी ये वेन को रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो रहा है। तो इसीलिए वो लीकेज को बंद करने के लिए हम लोग को इस तरह का कार्ट्रिज असेंबली का जरूरत पड़ता है, जिसका मेन एडवांटेज है इजी मोटर सर्विसिंग, राइट, इजी मोटर सर्विसिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, When the same motor is required, when the same motor is required to develop more torque. At the same system pressure, a cartridge assembly with same outside diameter but larger exposed vane area can be quickly substituted for the original. A cartridge assembly मतलब क्या है कि ये जो कार्टिज असेंबली है, ये कार्टिज असेंबली को ये वेन्स का एरिया तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सेम डायमीटर का रहेगा, बट वेन्स ये जो इसेंट्रिक जो रोटर का जो इसेंट्रिसिटी, वो इसेंट्रिसिटी को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वेन्स एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कार्टिज असेंबली अगर हम लोग चेंज कर देंगे, कार्ट्रिज असेंबली with same outside dia, but larger exposed vane area,
वेन एरिया कैन बी क्विकली सब्स्टिट्यूटेड, कैन बी क्विकली सब्स्टिट्यूटेड। ओके, मतलब जब मुझे ज्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है, राइट, व्हेन द सेम मोटर रिक्वायर्ड टू डेवलप मोर टॉर्क एट द सेम सिस्टम प्रेशर होगा, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम सेम होगा, सेम सिस्टम प्रेशर होगा, बट मुझे टॉर्क जरूरत ज्यादा चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा, मान लो इस रोटरी एक्चुएटर का शाफ्ट के साथ इस शाफ्ट के पीछे एक वेरी हैवी लोडेड, मान लो पहले 500 केजी का एक लोड ये रोटरी शाफ्ट क्या कर रहा था, एक 500 केजी का लोड को एक जगह से दूसरा जगह में लिफ्ट कर दे रहा था, ठीक है, एग्जांपल लो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो 500 केजी का बदले में वो आप 1000 केजी आ गया, 1000 केजी आ गए, मतलब तो मुझे क्या चाहिए, स्पीड बढ़ाना होगा या टॉर्क बढ़ाना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि लोड के साथ मेरा टॉर्क का रिलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर लोड बढ़ता है तो एटलीस्ट फोर्स ज्यादा होता है और टॉर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू डी, राइट, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, तो मेरा अगर लोड बढ़ जाएगा 1000 केजी हो जाएगा, तो सेम सिस्टम प्रेशर में मुझे शाफ्ट में ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार्टेज असेंबली को हम लोग बदल देंगे। बदल के क्या करेंगे, ये जो वेन एरिया है ना, जो अभी ये वाला पोर्शन मेंटेन कर रहा है, देखो यहाँ पे सबसे अगर लंबा वेन एरिया क्या है, ये वाला है लंबा वेन एरिया, इसको हम लोग और भी लंबा कर देंगे, क्योंकि जितना मेरा लंबा होगा उतना मेरा इस दोनों वेन्स के अंदर मेरा जो फ्लूइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्टोर होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, मतलब ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वेन्स को प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वेन्स ज्यादा अमाउंट रोटेट करना शुरू करेगा, तो मेरा इस शाफ्ट के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगा, तो मेरा वो 1000 केजी जो लोड है जो इस रोटरी एक्चुएटर के बैक साइड में जो अटैच हुआ है, वो मेरा अच्छी तरीके से मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूँ या तो एक जगह से दूसरी जगह में मैं मूव कर सकता हूँ। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द वेन मोटर और कार्टेज असेंबली, राइट। और सबसे बड़ा बात है, याद ध्यान रखना है कि ये वेन मोटर कभी वेन पंप के जैसा काम नहीं करता है, ध्यान देना, ये वेन मोटर वेन पंप जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि वेन पंप में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से मेरा जब मोटर का शाफ्ट, वेन पंप में क्या होता है कि वो वेन पंप का जो शाफ्ट है वो मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। ये जो मैंने दिखाया था ना, ये मान लो वेन पंप है, तो इसका जो शाफ्ट है ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट रहता है, तो अगर ये मोटर रोटेट करना शुरू करता है, ये मोटर जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा, तो ये वेन पंप रोटेट करता है, जब वेन पंप रोटेट करता है तो ये इसेंट्रिक होने के वजह से ऐसा ही डायग्राम दिखने में, ऐसे ही डायग्राम होता है वेन पंप का, बट ये जो यहाँ पे रोटेट करना शुरू करता है, वे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो फ्लूइड को पुश करता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे बेसिकली फ्लूइड एंट्री करता है, वेन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वेन्स अपना पॉजिटिव सीलिंग को मेंटेन करते हुए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अपना एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और वो वेन्स को रोटेट करने में मदद करता है फ्लूइड, इसके वजह से ये शाफ्ट में टॉर्क जनरेट होता है, और इसका बैकलेट में जो भी एप्लीकेशन यूज होता है रोटरी एक्चुएटर के साथ, वो मेरा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई जो इस तरीके का देखने में होता है, ये मेरा कॉइल वेन होता है, और एक होता है मेरा वेयर वेन जो इस तरीके का देखने में होता है वेयर वेन। वेयर वेन में क्या होता है कि वेयर वेन को अगर इस तरीके से खींचोगे तो वो बढ़ जाएगा, और अगर पुश करोगे तो वो घट जाएगा, ठीक है, अगर खींचोगे, सॉरी मैं गलत बोला, अगर खींचोगे तो वो घट जाएगा, ये वाला पोर्शन घटेगा, और अगर पुश करोगे तो वो बढ़ जाएगा। तो ये भी, ये इस तरीके का स्प्रिंग भी हम लोग यूज करते हैं, कॉइल स्प्रिंग भी यूज करते हैं, और एक कभी कभी हम लोग नॉन बाईपास चेक वाल्व भी यूज करते हैं। हम लोग उस टाइम क्या करते हैं कि इसका अंडर साइड में फ्लूइड को प्रवेश करने देते हैं, मतलब एकदम नीचे वाला साइड में फ्लूइड को प्रवेश करने देते हैं, इस एरिया में पहले फ्लूइड प्रवेश करता है और प्रेशर क्रिएट करता जाता है, प्रेशर क्रिएट करना जाता है, जब अगर प्रेशर क्रिएट करना जाता है, अब जब जरूरत पड़ेगा तो वो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करके इधर तक जा सकता है, लेकिन
वो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करके नीचे की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बाईपास चेक वाल्व लगा हुआ है, इसलिए फ्लूइड पहले यहाँ पे इस अंडर साइड में एंट्री होता है सेंटर में, उसके बाद वो बाईपास चेक वाल्व के थ्रू, मान लो अगर घुमा नहीं पाया तो वो बाईपास चेक वाल्व के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर में जाके फोर्स क्रिएट करेगा तो ये रोटेट करेगा। लेकिन वो फ्लूइड ऑपोजिट साइड में यहाँ पे बाईपास चेक वाल्व लगा हुआ है तो ऑपोजिट साइड से इस डायरेक्शन में वो आ नहीं पाएगा, सिर्फ पहले यहाँ पे आएगा उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लूइड में फोर्स क्रिएट कर, आई मीन बेंस में फोर्स क्रिएट करेगा। So these are the working principle, construction, character, these are the characteristics, construction, advantage and working principle I have explained. These are the construction diagram, these are the Bain's diagram. ध्यान देना Bain motor में क्या क्या ध्यान देना है, दो characteristics point, construction point, advantage point, working principle जो मैंने अभी verbally explain किया, construction diagram and Bain's diagram. ये सारा चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा, सेमिस्टर क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये सारा चीज ड्रॉ करके और वर्किंग प्रिंसिपल अपना लाइफ में मुझे समझाना पड़ा। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो सेमिस्टर एग्जामिनेशन में उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास। ओके नाउ स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस लेक्चर, डू यू हैव एनी, मुकेश बोलो सर। वेन मोटर का 4-5 एप्लीकेशन बता दीजिए। वेन मोटर का एप्लीकेशन तो तुम कहीं पे भी अगर तुम अप्लाई करते हो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में, जहां पे मुझे शाफ्ट को रोटेट करने का जरूरत पड़ता है वहां पे हम लोग वेन मोटर को यूज करेंगे। बेसिकली देखो बात ऐसा है कि मोटर बहुत तरीके का होता है, लाइक वेन मोटर है, गियर मोटर है, पिस्टन मोटर है, वेन टैक्सिस मोटर है। अब वेन मोटर जो है वो वेन मोटर का अगर एप्लीकेशन देखने जाओगे तो तुमको पहला बात है वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक बॉयलर में भी, बॉयलर में जब कूल का गैस घुस रहा है तो उसमें मान लो कोई भी एक ऐसा एक्सेसरीज है या माउंटिंग्स है जिस माउंटिंग्स को काम करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं, वहां पे भी हम लोग वेन मोटर का यूज करते हैं। जहां पे मुझे रोटरी वर्क जरूरत होता है, मतलब जो शाफ्ट हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से रोटेट ना करते हाइड्रोलिक पावर से हम लोग रोटेट करते, उस तरीके का एप्लीकेशन में हम लोग ज्यादातर वेन मोटर को यूज करते हैं। बोलो और दो तीन एप्लीकेशन बताए ना सर, बॉयलर से क्लियर नहीं हुआ। और अगर एप्लीकेशन बताना है तो हमको भी एक बार देख लेना पड़ेगा वो चीज, जैसे लाइक क्या बोलते हैं जो बॉयलर का तो मैंने एक एग्जांपल दिया माउंटिंग एंड एक्सेसरीज में, कंडेंसर पता है तुमको, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में कंडेंसर के बारे में पता है? यस सर। कंडेंसर के बारे में पता है कि नहीं? यस सर पता है। हाँ, तो कंडेंसर में भी मान लो कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो उस टाइम हम लोग वेन मोटर के यूज कर सकते हैं। बेसिकली मतलब उस तरीके का तुम एप्लीकेशन बोलोगे तो वैसा एप्लीकेशन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द पावर कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। माने तुम अगर बोलोगे तो हाइड्रो रोड साइड लोडिंग, मतलब शाफ्ट का जो साइड लोडिंग होता है, ठीक है, शाफ्ट का जो साइड लोडिंग होता है या जो जहाँ पे मुझे बॉल बियरिंग का जरूरत पड़ता है, जहां पे मुझे प्रेशर डिफरेंस करना पड़ता है, ये सब जगह में हम लोग ज्यादातर वेन मोटर को यूज करते हैं। वेन मोटर का बहुत सारा साइड होता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर साइज का वाल्व होता है वेन मोटर में, सर्कुलर शेप वाल्व होता है, कॉइल स्प्रिंग यूज करके वाल्व यूज करते हैं, वायर स्प्रिंग यूज करके वाल्व यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल को यूज करके हम लोग उस वेन का जो स्प्रिंग का उसका मूवमेंट हम लोग करवा सकते हैं। तो इस तरीके का है, अगर वैसे एप्लीकेशन बोलोगे तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेन मोटर का एप्लीकेशन। सर बॉयलर में जो है सर, वेन पंप के थ्रू बॉयलर में जो भी कुछ काम होता है तो हम हाइड्रोलिक सिस्टम को ना यूज करके हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? वेन मोटर। हाँ सर वेन मोटर। हाँ एक्चुअली क्या है ना, बोल दे रहा हूँ, क्या होता है कि हम लोग हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी मुझे जहां पे मेरा जहां पे देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे मुझे यूज करना है मैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जरूर यूज करता हूँ, लेकिन हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में जो खर्चा पड़ता है, ठीक है, वो सारा चीज को हम लोगों को देखते हुए हम लोग कहीं पे हाइड्रोलिक यूज करते हैं, कहीं पे हम लोग न्यूमेटिक यूज करते हैं। तब भी सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर वी आर नॉट यूजिंग न्यूमेटिक, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल का तो खरीदने में बहुत पैसा लगता है, तो हम लोग व्हाई आर वी आर यूजिंग हाइड्रोलिक, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग न्यूमेटिक, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का यूज है हम लोगों के पास।
ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि जहां पे मान लो प्रेशर रेटिंग अगर 175 बार के आसपास है, मुझे प्रेशर रेटिंग 175 बार चाहिए, स्पीड चाहिए जो टॉर्क जो शाफ्ट का जो स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 4000 आरपीएम। ऐसा अगर मेरे पास एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में मुझे 175 बार प्रेशर और साथ में 4000 आरपीएम मुझे रोटेशन चाहिए, तो उस टाइम मुझे हम लोग विंड मोटर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब फिर जब मैं हम लोग वहीं पे अगर गियर मोटर यूज करेंगे तो वो गियर मोटर के थ्रू से हम लोगों को ज्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंसी मिलता है, मुझे 4000 से ज्यादा मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर अगर 4000 से ज्यादा मुझे आरपीएम मिलता है तो मैं क्यों 4000 वाला मतलब कि मैं विंड मोटर यूज करूंगा क्यों गियर मोटर यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको वहां पे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का जो भी सुपरवाइजर होता है, जो मशीन का सुपरवाइजर होता है, जब डिजाइन होता है डिजाइन पार्ट में देखा जाता है कि मुझे यहाँ पे कितना पावर चाहिए, इतना पावर चाहिए। तो 4000 आरपीएम इज नॉट अ वेरी हाई स्पीड, इट्स वेरी लो स्पीड। तो मैं हम लोग अगर बोला जाएगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द विंड मोटर, तो हम लोग बोलेंगे कि वेयर वी आर रिक्वायर्ड द लोअर स्पीड लोअर आरपीएम दैट प्लेस वी आर यूजिंग द विंड मोटर। क्लियर मुकेश? यस सर। ओके, सो जहां पे हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे हम लोग यूज करेंगे, जहां पे मुझे जो मोटर यूज करना होता है हम लोग वहां पे एप्लीकेशन देख के यूज करेंगे, मुझे वहां का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट मेरे मोटर के मोटर का आउटपुट के साथ अगर मैच कर जाएगा तो कोई इशू नहीं, हम लोग वही मोटर यूज करेंगे। ओके, मेन यहां पे रिक्वायरमेंट है सर, मेन रिक्वायरमेंट यहां पे टॉर्क चाहिए। हां, मेन इलेक्ट्रिसिटी सर, इलेक्ट्रिस मेन रिक्वायरमेंट, मुझे यहां पे टॉर्क चाहिए, मुझे यहां पे स्पीड। सो हम लोगों का काम क्या है, हम लोग विंड मोटर को वहां पे यूज करेंगे जहां पे मेरा रिक्वायरमेंट टॉर्क है, जहां पे मेरा स्पीड का रिक्वायरमेंट है, हम लोग वहां पे विंड मोटर यूज करेंगे। इवन हम लोग कोई भी टाइप का मोटर अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वो स्पीड एंड टॉर्क होता है। तो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वो नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमको मोटर में टॉर्क दे देगा, ठीक है, मोटर में टॉर्क दे देगा, लेकिन वो टॉर्क मान के चलो 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 14,000 हो सकता है। तो हम लोग वैसा क्यों यूज करेंगे, हम लोगों को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करने से मेरा ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे हमेशा कोशिश करना पड़ता है कितना कम क्वांटिटी में कितना कम बेस्ट क्वालिटी हमको मिले। तो मुझे कम क्वांटिटी में तो मैं हाइड्रोलिक पावर यूज करके मुझे मोटर का स्पीड, मुझे कंट्रोलेबल मोटर का स्पीड मुझे अगर मिल रहा है तो हम लोग हमेशा हाइड्रोलिक मोटर यूज करेंगे जिसको हम लोग रोटरी एक्चुएटर बोलते हैं। Okay, now students, anybody having any more question? Hello, sir. बोलो सर, वेन पंप और मोटर में क्या डिफरेंस है? वेन पंप और मोटर में यही डिफरेंस है कि वेन पंप में मेरा जो मेरा यहाँ पे कैमरिंग लगा हुआ रहता है और यहाँ पे मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है और शाफ्ट उसके और यहाँ पे मेरा वेन का मतलब वेन्स कनेक्टेड रहता है, राइट। वेन पंप में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शाफ्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा शाफ्ट है ये शाफ्ट मेरा मोटर के साथ कपल रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये मेरा शाफ्ट कपल रहता है। जब मेरा मोटर ऑन होता है तब मेरा ये घूमता है और जब मेरा ये घूमता है तब मेरा कैमरिंग घूमना शुरू करता है। जब कैमरिंग घूमना शुरू करता है तब मेरा यहाँ पे वैकम जनरेट होता है, तब मेरा इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री करता है। ये है मेरा वेन पंप। और वेन मोटर मेरा क्या है कि वेन द fluid is entering into the vein, vein motor chamber, that time it creates some pressure in this vein, तो ये मेरा rotate करता है, और यहाँ पे inlet, यहाँ पे एक inlet, और यहाँ पे एक inlet, दो inlet दिया जाता है, यहाँ पे दो outlet दिया जाता है, ताकि जो मेरा fluid यहाँ पे entry कर रहा है, वो यहाँ पे pressure create करे, तो ये vein इधर जाए, certain amount of fluid यहाँ से निकल जाएगा। फिर जब यहाँ पे फ्लूइड जमता जाएगा तो फिर ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस जब इनलेट से मेरा यहाँ पे भी इनलेट से फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है, इधर से भी इनलेट से फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो कंटिन्यूअस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से जब मेरा फ्लूइड एंट्री करेगा तो वो कंटिन्यूअसली वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वेन एज इट इज ये तुम्हारा कंसेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक है, कैमरिंग तुम्हारा रोटर, ये जो मेरा रोटर है और ये जो मेरा कैमरिंग है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक है। तो जब तुम्हारा वेन रोटेट करना शुरू करेगा तो वेन वेरियस जगह में जाके अपना शेप को टाइटली सील्ड करने के लिए, क्योंकि जब ये इस जगह में वेन आएगा
तब इसको छोटा एरिया कवर करना पड़ रहा है, जब वेन इस जगह में जाएगा तब उसको बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है, ठीक। जब ये छोटा एरिया कवर करेगा तब इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा, जब इसको बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमाइज होगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल वेन पंप के जैसा है, लेकिन यहाँ पे वेन का जो रोटेशन हो रहा है वो वेन का रोटेशन फ्लूइड का प्रेशर के वजह से हो रहा है, लेकिन पंप में केस में क्या होता है कि ये मोटर के साथ कपल रहता है, ये शाफ्ट को रोटेट करता है तो मेरा ये कैम रोटर रोटेट करता है जिसकी वजह से मेरा वेन रोटेट करता है और फ्लूइड मेरा यहाँ से बैकअप के वजह से एंट्री करता है और उसके बाद कंप्रेस होकर वेलोसिटी गेन करके प्रेशर गेन करके वो आउटलेट से बाहर हो जाता है। लेकिन वेन मोटर में क्या होता है कि फ्लूइड पहले एंट्री करता है, फ्लूइड पहले एंट्री करने के बाद यहाँ पे स्टोर होना शुरू होता है, यहाँ पे इस वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वेन रोटेट करना शुरू होता है, जब वेन रोटेट होता है तब ये मेरा रोटर रोटेट होता है, जब रोटर रोटेट होता है तब ये मेरा शाफ्ट रोटेट होता है। तो शाफ्ट रोटेट होता है जब, क्योंकि उस शाफ्ट के अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है, तो शाफ्ट रोटेट होता है, टर्निंग मोमेंट जनरेट होता है, एक मुझे अचीव स्पीड जो मेरा रिक्वायरमेंट स्पीड है वो स्पीड मेरा अचीवमेंट हो जाता है। हमें क्लियर विकास? यस सर। बड़े सर ये प्रेशर कहां से मिलेगा सर फ्लूइड को? कौन फ्लूइड को प्रेशर कहां से मिलेगा? मतलब पंप, यहां पे तो एक पंप लगा हुआ है ना, यहां पे तो मेरा एक पंप लगा हुआ है, भले वो गियर पंप लगा हुआ है, फ्लूइड यहां पे मेरा मोटर, ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर है जो मेरा पंप के साथ कपल्ड होकर रहता है, वो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर है। और हम लोग जो मोटर स्टडी करवा रहे हैं दैट इज माय हाइड्रोलिक मोटर। पिछला क्लास में थे विकास? नहीं सर, नहीं थे सर। नहीं सर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो मेरा पंप के साथ जो मोटर कनेक्टेड रहता है वो इलेक्ट्रिक मोटर, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर, वी आर डिस्कसिंग कि जब मेरा पंप से डीसीबी होके यहाँ पे मेरा डीसीबी रहता है 4x2 4x3 कोई भी डीसीबी रहता है, वो डीसीबी होके प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब होके बाईपास चेक बल्ब होके वो एक्चुएटर में एंट्री करता है। हम लोग हमेशा एक्चुएटर को कुछ इस तरीके का दिखाते हैं, राइट और रॉन्ग? लीनियर एक्चुएटर को इस तरीके से दिखाते हैं ना? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर एक्चुएटर को यूज ना करके हम लोग ये जो फ्लूइड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होके PFTR प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होके फ्लो कंट्रोल वाल्व होके डायरेक्ट वो रोटरी एक्चुएटर में प्रवेश करता है। लीनियर एक्चुएटर में जब फ्लूइड एंट्री करता है तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट देता है, मतलब लीनियर मूवमेंट देता है, भले वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो बट वो लीनियर मूवमेंट देता है। बट अगर हम लोग लीनियर एक्चुएटर यूज नहीं करेंगे, रोटरी एक्चुएटर यूज करेंगे, रोटरी एक्चुएटर यूज करेंगे तो जो फ्लूइड मेरा एंट्री होगा वो फ्लूइड इस चेंबर के अंदर स्टोर होता जाएगा, जब वो स्टोर होगा तो वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जब वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वेन रोटेटिंग होना शुरू करेगा, जब वेन रोटेट होगा तो मेरा ये रोटर रोटेट होगा, और जब रोटर रोटेट होगा तब मेरा ये शाफ्ट रोटेट होगा, और ये शाफ्ट रोटेट होगा तो शाफ्ट के ऑपोजिट में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन लगा हुआ रहता है उसमें मेरा काम होगा। तो ये मेरा हाइड्रोलिक मोटर है जिसको हम लोग रोटरी एक्चुएटर, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर स्टडी कर रहे हैं। Am I clear? Yes, sir. Okay. Anybody having any question? Anybody having any more question related to today's class? Yes or no? No, sir. No, sir. Okay. Okay, so thank you everyone for attending class. Tomorrow we will start again another topic which is related to the gear motor and our piston motor या तो bent axis motor जैसा होगा मुझे भी उस तरह से हम लोग class देखेंगे। सरफराज कुछ बोलना है? हाँ बोलो सरफराज। बोल रहे थे कि सर assignment हम लिख लिए हैं तो time पार हो गया तभी भी जमा कर सकते हैं। हर बार का एक ही चीज। एक second देखते हैं। IFP assignment free था ना? सरफराज आईएफपी का असाइनमेंट फ्री था ना? यस सर। रुको देखते हैं। असाइनमेंट ड्यू डेट, हाँ सबमिशन कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। सबमिशन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। टुमारो वी विल स्टार्ट अगेन अ न्यू टॉपिक। और आज का जो वीडियो क्लास का जो वीडियो लेक्चर वो तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे देख के भी और एक बार स्टडी कर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।